करोति कल्याणम् आरोग्यम् धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते दीपज्योति नमस्तुते दीपज्योति दूसरा प्रतिज्ञा करेंगे विशाल को बोल भेजना है यहाँ आप लोग को दोस्त चाहिए तो बनाएंगे शिव बाबा को दोस्त जीवन साथी तुम अपने मम्मी पापा के लेके इनके यहाँ आना है बनाएंगे तभी होगा ऐसे अकेले नहीं होगा बनाएंगे हाँ, किसी के मुख से आवाज नहीं है आवाज आना चाहिए यस यस दीदी तो हाथ आगे हाथ आगे श्री बाबा आज मैं आत्मा आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ आपकी हर आज्ञा को मैं मानूंगी लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जय हिंद आज हम ये शपथ लिए हम मतदाता जन जन का ये नारा है अपना बोलो तो देखा।
होता है, समय बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है या नहीं होता है? होता है। तो क्या समय बर्बाद करना चाहिए? समय को, समय आपको जितना मिले, जितना बार समय मिले आपको, उतना बार आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, कुछ याद करने का कोशिश कीजिए, कुछ मतलब डांस करने का प्रैक्टिस, गाना, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा चीज करना है, गलत नहीं करना है। उससे क्या होगा कि हमारा एनर्जी भी बचता है, समय भी बचता है, लेकिन हम लोग करते क्या है, क्योंकि हमें ज्यादा उसमें मजा आता है, मोबाइल देखना, रील्स बनाना, टीवी सीरियल देखना, पढ़ाई में गाना सीखना, डांस करना, इसमें हमें मन नहीं लगता। तो क्या ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए ये मोबाइल है, ये हमारे लिए अच्छा भी है तो खराब भी है, इससे हमारा जीवन भी बन सकता है। अगर हमारे पास इसको दिमाग, मतलब हमारे पास सिर्फ दिमाग को यूज करने के लिए, तो हम इस मोबाइल से हम बहुत अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति भी बन सकते हैं। और इसी मोबाइल से हम क्या बन सकते हैं? बुरे भी बन सकते हैं, दंड भी बन सकते हैं, है ना? तो आप लोग कौन सा बच्चा बनना पसंद करेंगे, अच्छे बच्चे या दंड बच्चे? अच्छे बच्चे का निशानी क्या होता है, आप लोग से ही सुनना चाहते हैं। अच्छे बच्चे का निशानी क्या होता है? जो अच्छा बच्चा होता है उसका निशानी क्या होता है? एक दो सुनाइए आप लोग, अच्छे बच्चे का निशानी क्या है? आप लोग अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, आप लोग अच्छे बच्चे भी हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि आप लोग बुरे बच्चे हैं, उदंड बच्चे नहीं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। लेकिन अच्छे बच्चे बनने का विशेषता, अगर अच्छे बच्चे बनना है हमें, तो उसका हर चीज हमें मालूम होना चाहिए। तो क्या मालूम है अच्छे बच्चे कैसे बनेंगे? अच्छे बच्चे बनने का मतलब पहला है कि हमें माँ बाप का सम्मान करना, हमसे जो बड़े हैं सबका सम्मान करना, सभी के साथ मीठा व्यवहार करना, है ना, सभी का सहयोग करना, ये हुआ अच्छे बच्चे। स्वागतम 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 स्वागतम।
हमारा जो है एनसीसी वो एक आर्मी ग्रुप है, वो एक डिफेंस का वो पार्ट है, तो देश की बाहरी सीमा से जो है हमारे देश की रक्षा करता है। लेकिन एनएसएस जो है ये बाउंड्री के अंदर जो है, जो भारतीय सीमा के अंदर जितना भी बुराई हो रहा है उससे अगर किसी को लड़ाई लड़ना है तो किसका कौन काम आता है? एनएसएस काम आता है। तो जितना जरूरी बाहरी सीमा का मजबूत होना है उतना जरूरी है कि हमारे देश के अंदर भी जितनी गतिविधियां हैं वो भी उतने ही सुगमता पूर्वक उतने ही सही तरीके से सहज तरीके से चले ताकि देश तरक्की करे। बॉर्डर में तैनाती के साथ सिर्फ देश तरक्की नहीं करता है। और ये एक मीथ है कि जो सेना में जाता है वही देशभक्त है। अगर आप अपने कामों को एकदम पूरे ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो आप भी सच्चे देशभक्त हो। ऑनलाइन एनरोलमेंट होगा, ठीक है? इसके अलावा बताओ माई भारत पोर्टल में कितने लोग किए? था ना मिसाल कौन सा पोर्टल बंद हो गया? माई भारत पोर्टल पहले आप अपना एनरोल कीजिए, आप एनरोल कीजिएगा तभी बच्चे कर पाएंगे, ठीक है? आप वो कीजिए, ये सिर्फ नाम लिखाना है और आप लोग मैम के कहने पे मैम के रजिस्टर में अपना नाम लिखा दिए हैं और यहाँ तक आ गए। आप लोगों ने अभी खुद, हम नहीं बोल रहे, तुम ही लोग जो लिख करके लाई थी है ना, उसमें क्या क्या पढ़ी कि इससे तुम लोगों का सर्वांगीण विकास होगा, आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। अलग से कौन सा व्यक्तित्व बनेगा? जो तुम हो तुम ही रहोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे अभी नहीं है। अमन ने कहा लेवल वन से लेवल टू, लेवल टू से लेवल थ्री, कहने का मतलब कुछ नहीं है। कितने लोग यहाँ पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हो, मतलब इस कैंप में कितने लोग थे पहली बार मिले हुए सब? तो सब सारे लोग मिले हैं। हाँ। और सारे लोग बोलते हो? हाँ। मंच पे सारे लोग ना बोलो ना, अरे बोलोगे नहीं तो इसीलिए लड़की लोग का सबको सताया जाता है। अपना बात बोलने के लिए तुम लोगों को सोचना पड़ रहा है, हाँ या ना ही ना पूछ रहे हैं हम, तो बोलो। पहले अपना मुंह खोलना सीखो, मुंह नहीं खोलोगी घर में भैया भी देंगे, पापा भी देंगे, मम्मी भी मारेगी, ठीक है? कल को शादी ब्याह हो जाएगा, सास ससुर ताना मारेंगे, ननद भी ताना मारेगी, तुम लोग बैठ के रोते रहे। मुंह खोलना सीखो पहले, अपने अंदर के बातों को बोलना पहले सीखो, कोई और तुमको कुछ नहीं करेगा, ठीक है? सिर्फ बोलना है, बोलने का मतलब लड़ना नहीं है, हम लड़ने के लिए नहीं बोल रहे, हम बोलने के लिए बोल रहे हैं, ठीक? जब आपसे कहा जा रहा है कि आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कहने का मतलब है कि आपके व्यक्तित्व के कुछ ऐसे गुण जो आप में अभी नहीं है उन सब चीजों का विकास हो। हर कोई यहाँ आकर खड़ा होकर बोलने की क्षमता नहीं रखता है, हाथ पैर हिलते हैं, पसीना भी आते हैं, ठीक है, लड़खड़ाते भी हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये जब बार बार आप करने लगोगे तो वो एक आप में वाक कला अपने आप आ जाएगी, बोलने की क्षमता अपने आप आ जाएगी। अभी आप अपने दोस्तों के बीच बोल रहे हो, कल क्लासरूम में बोलोगे, फिर कॉलेज का कोई फंक्शन हो रहा है उसमें आप बोलोगे, और पता चला कल को आप किसी मंच से कोई एकदम प्रखर वक्ता बन करके मंच से बोल रहे हो, तो ये सब धीरे धीरे होते हैं। मतलब एक ऐसा हम तो सिर्फ एक गुण की बात कर रहे हैं ना, आप लोगों
मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे।